असलम स्टूडेंट्स माई नेम इज मोहम्मद आकेब एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस कैसे हैं आप चलते हैं बोर्ड की तरफ so, मेरे प्यारे बच्चों आज यूल स्टार्ट ऑफ विद न्यू चैप्टर नोन आज साउंड एंड हेयरिंग आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में साउंड होती क्या है अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ मैं प्रोड्यूस क्या कर रहा हूं साउंड आप तक क्या पहुंच रही है साउंड सो विद एड ऑफ द विजुअल एड एंड योर इयर्स यू कैन एक्चुअली सी मी एंड हेयर मी लेकिन ये होता क्या है आप सुन किस तरह सकते हैं मुझे ये जो मैं आपसे कह रहा हूं जो मैं आपसे इस वक्त बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि व्हेन आई टॉक टू यू आई एम प्रोड्यूसिंग साउंड ये साउंड होती क्या है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक लाइट जैसे लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इसी तरह से साउंड इज आल्सो नोन आज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है वेन समथिंग वाइब्रेट्स नाउ हैविंग सेड दैट मैंने आपको जैसे ये बताया है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है साउंड बनती कैसे है इट इज मेड वेन समथिंग वाइब्रेट्स फॉर एग्जाम्पल एक गिटार गिटार के ऊपर जब आप स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ड्रम के ऊपर जब आप बीट करते हैं या जब आप ड्रम को बजाते हैं अगेंस्ट साउंड प्रोड्यूस होती है मगर हाउ किस तरह ये होती किस तरह है प्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि व्हाट साउंड रियली इज़ जो कि मैंने अभी आपको बताया है ओवर टू द बोर्ड साउंड लाइक लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी

लेकिन मैं जैसी इसके ऊपर टिक करूंगा तो एक प्रोड्यूस होती है साउंड वो किस तरह से होती है जैसी मेरी फिंगर इसको टच की वाइब्रेशन पैदा हुई वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुई इसको हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाउ साउंड आर मेड ओवर टू द बोर्ड एस डिटेक्ट साउंड अब मैं आपको थोड़ा सा तफसील से, से जरा समझाऊं हमारे कान ये जो कान होता है हमारा ये कैसे साउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है अल्लाह ताला ने हमें ये जो कान दिए हैं आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस स्पेशली ये जो कान है द पार्ट द आउटर एयर द प्रोटूडिंग पार्ट जो हिस्सा हमारे कान का जिसम से बाहर आपको ये नजर आ रहा है इसको अल्लाह ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। हाउ इट्स मेड इन आप एटलीस्ट हंड्रेड एंड एटी डिग्री फ्रॉम माई राइट एयर में किसी भी किस्म की साउंड को डिटेक्ट कर सकता हूं वो कैसे कि साउंड वेव आके मेरे कान को टकराएंगी वही साउंड वेव फिर मेरे कान की तरफ इनर एयर की तरफ डायरेक्ट होगी आगे फिर क्या होता है एयर ड्रम यही साउंड वेव्स जब जाके एयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, तो हमारा ब्रेन इस सिग्नल को डिटेक्ट करता है और डिफ्रेंशिएट करता है उस साउंड को हम एट अ टाइम आप कभी दिन के टाइम पे वॉक करने निकलते हैं बाहर यू कैन हेयर द साउंड ऑफ विंड यू कैन हेयर द साउंड ऑफ बर्ड्स यू कैन हेयर द साउंड ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू एट द सेम टाइम एक ही वक्त में सो so अब आप, आप बैठ कर ये सोचिए कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा कि हम सिर्फ इस कान ये जो हमारे दो कान हैं इससे कैसे हम एक ही वक्त के ऊपर मुख्तलिफ साउंड्स को डिटेक्ट करते हैं हा वही डिफरेंट साउंड्स जो होती हैं जैसे हमारे एयर ड्रम को आती हैं कान को थ्रू ये सिग्नल जाता है ब्रेन को ब्रेन डिटेक्ट करता है साउंड को और आपको बताता है कि दिस वॉज द साउंड ऑफ अ बर्ड दिस वॉज अ साउंड ऑफ अ कार हॉग कैंग और दिस वॉज द साउंड ऑफ अ कार इवन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम ये एक ही वक्त में हो रहा होता है एंड इट्स दिस इंटायर प्रोसेस ये पूरा का पूरा प्रोसेस इज हैपनिंग इन जस्ट मिली मिली सेकेंड्स इवन दैट इज अलॉट टाइम मगर इससे भी कम वक्त में यह पूरा प्रोसेस हो रहा होता है सोचिए so, इसके बारे में बैठ के हाउ इसके बारे में भी मैं आपको मैं बताऊंगा विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बुक बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस के हाउ यर एबल टू डू दैट अगेन ओव टू दोर्ड यूनेट टू कैलक्युलेट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज नोन एज डेसेबल्स दो इट इज नॉट मैंशन इन योर बुक, बट आई फेल्ट के बहुत जरूरी है आपको बताना साउंड की इंटेंसिटी के कम कितनी है ज्यादा कितनी है उसको हम मेजर करते हैं डेसेबल्स में ये यूनिट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि विच साउंड्स अ ह्यूमन कैन डिटेक्ट एक इंसान कौन सी साउंड्स को डिटेक्ट कर सकता है कौन सी साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल एज ए सेड हर जानदार चीज जो है कोई ना कोई साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है एन An एंट एक चूंटी साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है वो भी कम्युनिकेट कर रही होती है अपनी पूरी कॉलोनी के अंदर लेकिन क्या हम वो सुन सकते हैं no. नो so, सो इससे ये हमें पता लगता है कि ये वो साउंड का ये वो साउंड की इंटेंसिटी है जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते मैनी अदर साउंड जो कि एक इंसान अपने कान से डिटेक्ट नहीं कर सकता बता मैनी अदर साउंड जो कि हमारे कान पूरे 360 सिक्सटी डिग्री से डिटेक्ट करते हैं सो so, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नियमत से नवाजा कि हम हर तरह की साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि सिर्फ हमारे कानों के लिए स्पेसिफाइड है मैं भी वो यूनिट आपको कि वो क्या होता है वो मेजर कैसे किया जाता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व हैं कितने डेसिबल्स के ऊपर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम हमारे कान सुन सकते हैं अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारे कानों पे क्या इफेक्ट होगा इससे कम होगा तो क्या हम वो साउंड को डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं यह हम मजीद आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे बट बिफोर वी अंडरस्टैंड एंड डिवेलप दिस इंट दिस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस बड़े मजे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना जरूरी है इस वक्त कि साउंड आखिर ट्रैवल कैसे कर रही है ओवर टू द नेक्स्ट बोर्ड ना एज एक्सप्लेन टू यू कि साउंड वेव्स के अंदर ट्रैवल करती है लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है वो क्या मीडियम है फॉर एग्जांपल एयर हवा बेसिकली साउंड को ट्रैवल करने के लिए असिस्ट करती है विदाउट एयर साउंड कैन नॉट ट्रैवल। एक सिंपल सी एक एक एक्सपेरिमेंट है मैं आपको एक मिसाल देता हूं जो कि आपकी बुक में भी मैंशनड है लुक एट द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि एक एपरेटस के अंदर हमने क्लोजली टाइट पैक कर दिया हुआ एक स्पीकर को और साथ उसके हमने नीचे एक नोजल लगा दी है जो कि वैक्यूम को कनेक्ट करती है वैक्यूम क्या करेगा एयर को सक करेगा बाहर उस जार के अंदर से ना बिफोर वी सक द एंटायर एयर आउट ऑफ द जार हम क्या करते हैं अभी एयर के साथ ही अंदर उसी जार के अंदर अभी एयर प्रेजेंट है हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं सो स्पीकर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं उसी स्पीकर के अंदर उस जार के अंदर से आपको आवाज आएगी मेरी मगर द मोमेंट यू सख्त एंटायर एयर आउट ऑफ दैट जॉ मैं इस वक्त इस टोन पे भी बोल रहा हूंगा मैं आपसे बातें भी कर रहा हूंगा आई एम सेनीथिंग यू कैन नॉट हेयर इट चाहे मैं ऊंचा बोलू आहिस्ता बोलू बहुत धीमे बोलू जितना मर्जी ऊंचा बोलू वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती है सो साउंड प्रूफिंग जो होती है मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग टर्म के बारे में बताऊं। आपने अक्सर सुना होगा कि जी दीज डोर्स आर साउंड प्रूफ उसको इन्फोर्स किया जाता है ऐसे मटेरियल के साथ जो कि साउंड वेव्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी वजह से अ पर्सन स्टैंडिंग डोर विच इज साउंड प्रूफ नॉट हेयर अ सिंगल वर्ड ये जो स्टूडियो है ये एंटायरली साउंड प्रूफ है मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं बट माई वॉइस कैन नॉट बी हर्ड आउटसाइड द स्टूडियो वाई बिकॉज इट इज साउंड प्रूफ एक स्पेशल किस्म का मिटीरियल होता है जो कि अगेन एज मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं दैट अब्जॉर्ब ऑल द साउंड वेवस ना लुक एट द बोर्ड दे केन ट्रेवल थ्रू एनी सब्सटेंसेज वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड्स और गैस अब यह बड़ी प्यारी बात है इसको जरा समझें गौर करें ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की मैं अब आप आपको बातें बताने लगा और आप बड़ा एंजॉय करेंगे आप इसको लेट्स स्टार्ट ऑफ जैसे मैंने आपको कहा कि साउंड जो है वो किसी भी सब्सटेंस के थ्रू ट्रैवल कर सकती है आइदर इट्स गैस लिक्विड और सॉलिड इन तीनों मीडियम्स के अंदर साउंड बहुत इजीली ट्रैवल कर सकती है हम सबसे पहले लेते हैं गैस फॉर एग्जांपल एयर मैंने शुरू ही क्या किया था मैं आपको बताया था जैसे कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल थ्रू विच इज एयर गैस के अंदर तो बड़ी इजीली ट्रैवल कर लेती है लिक्विड नाउ इधर मैं एग्जांपल देता हूं आपको डॉल्फिन की डॉल्फिन पानी के अंदर दूसरी डॉल्फिन के साथ एक बड़ी हाई पिच साउंड के अंदर कम्युनिकेट करती है अब मैं जैसी एयर से लिक्विड के अंदर आऊंगा साउंड की जो ट्रैवलिंग स्पीड है एक तो बढ़ी आएगी दूसरा बहुत देर तक ट्रैवल करेगी एयर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी फासले पे खड़ा होकर आपसे बात करूं और अगर आप मुझसे लेट से हंड्रेड फीट दूर हैं आपसे मैं बात कर रहा हूं एंड एयर इज द मीडियम जिसके थ्रू मैंने अपनी साउंड को आप तक पहुंचाना है आप तक नहीं पहुंचेगी मुझे शाउट करना पड़ेगा अब यही डिस्टेंस रखते हुए सौ फुट का फासला रखते हुए हंड्रेड फीट मैं आपसे इस लहजे में भी बात करूंगा आपको लगेगा कि माई आई एम जस्ट मूविंग माई हैंड आपको मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी आप जितना मेरे करीब आते जाएंगे आपको उतनी ही मेरी साउंड क्लियरली समझ आने लगेगी ना अगेन इन वॉटर पानी के अंदर आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी फॉर एग्जाम्पल वेल्स जो कि कम्युनिकेट करती हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसिस के ऊपर नाउ अगेन अगर गैस के अंदर जो है उसकी ट्रैवलिंग जरा कम है डिस्टेंस ट्रैवल साउंड कम करती है लिक्विड में ज्यादा करती है नाउ इमेजिन सॉलिड में कितना करेगी सॉलिड के अंदर एक तो साउंड ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करती है और ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है ये सारी ये जो सारी मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है अब उसको समझें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है चूंके एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स इन एयर आर वेरी फार अपार्ट सो साउंड ने तो ट्रेवल करना है वेव्स की फॉर्म में टकराते हुए लिक्विड के अंदर चूंकि अब जरा उसके मॉलिक्यूल्स करीब हैं ज्यादा दूर नहीं है इसीलिए वो ज्यादा ज्यादा जल्दी से टकराते हुए ट्रेवल करती है फिर सॉलिड के अंदर अब क्या होगा एग्जैक्टली exactly. जो आपके अभी दिमाग में आया है कि जो मॉलिक्यूल्स करीब होंगे कॉम्पैक्ट होंगे बहुत क्लोज डिस्टेंस होगा उनका तो इसका मतलब है कि ज्यादा वाइब्रेशन होगी और ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा और ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करेगा सो so ये है इन थ्री मीडियम्स में साउंड की ट्रैवल करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको हम मजीद डिटेल में आगे पढ़ेंगे ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना क्योंकि हो सकता है क्या आपसे एग्जाम के अंदर यह सवाल आए आपसे पूछा जाए आपसे कि साउंड किस मीडियम में ज्यादा तेज ट्रैवल करती है या किस मीडियम में ज्यादा देर तक ट्रैवल करती है यह आपसे पूछा जा सकता है ओवर टू द बोर्ड साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम कि मैंने अभी आपका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था अब इससे सवाल ये पैदा होता है विच आई वॉन्ट यू अगेन टू ओपन अप इंटरनेट एंड सर्च ऑन इट। स्पेस अर्थ के बाहर एंटायर स्पेस क्या वहां पे एयर है नो nope. तो फिर ऐसा क्या मीडियम होगा क्या साउंड ट्रैवल करती है स्पेस में जब वैक्यूम है एयर ही नहीं है तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगी अब आपने इसके बारे में सर्च करना है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव के साउंड केन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम जैसे मैंने अभी आपको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट बताया था बैक टू द बोर्ड साउंड एज अ वेव अब अब समझते हैं कि ये जो वेव मैंने आपको दो तीन दफा बताया है साउंड ये जो वेव होती है ये क्या होती है इसको समझें कैसे जो वेव में ट्रेवल करती है वो क्या होती क्या है ये वेव एग्जैक्टली exactly. ना इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट जहां तक मैं आपको हो सकता है आज महदूद रखू और मैं आपको यहां तक लिमिट रखू क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा सबसे पहले समझें, क्योंकि तो इसने आपकी बेस बनानी है आगे मजीद साउंड के कॉन्सेप्ट को समझने में उसमें सिर्फ दो टर्म्स है कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन कंप्रेशन क्या होता है अब आई होप आपने सबने स्पीकर को देखा होगा स्पीकर क्या होता है जिसे साउंड प्रोड्यूस होती है नॉर्मली जिसपे आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं गाने सुन रहे होते हैं या टीवी है जैसे आप जिसे टीवी देख रहे होते हैं हर टीवी के साथ स्पीकर होता है गाड़ियों के अंदर स्पीकर होता है अब इमेजिन करें आपके सामने एक स्पीकर है जब ये साउंड प्रोड्यूस करता है तो आपने नोट किया होगा कि इट वाइब्रेट्स अप एंड डाउन अप एंड डाउन लेकिन ये सारी वाइब्रेशंस हो रही होती है वेरी वेरी हाई स्पीड अगेन यानी कि अगर आप इसकी एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को स्लो मोशन पे देखें तो आप नोट करेंगे कि साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है स्पीकर वो वाइब्रेट कर रहा होता है बहुत तेज स्पीड पे लेकिन जब आप उसकी स्पीड उस वीडियो की स्पीड को स्लो करेंगे तो आप देखेंगे वाइब्रेशंस टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड अब ये तो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इसको इमेजिन करें एक स्पीकर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वाइब्रेट कर रहा है लेट्स मूव टू द थर्ड बोर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट्स वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो जैसी स्पीकर अब मैं इसको टाइम को स्लो कर रहा हूं और अपनी मूवमेंट को बहुत स्लो कर रहा हूं फॉर यू टू अंडरस्टैंड कंप्रेशन क्या होता है जैसे स्पीकर नीचे गया यानी कि स्पीकर की मूवमेंट नीचे की तरफ आई यह क्या करता है अपने इर्द गिर्द एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर लेता है जस्ट लाइक दिस स्पीकर ने एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ कंप्रेस कर लिया ना जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा यही एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर होते हैं फैलते हैं इस कंप्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ये है कॉन्सेप्ट कंप्रेशन का बेसिकली यही है कंप्रेशन कि जो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो रहे हैं दिस इज कंप्रेशन नाउ व्हाट्स रेयर फ्रैक्शन कि जैसी एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन मिली स्पीकर बाहर की तरफ आया बाहर की तरफ इसने वाइब्रेट किया एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए रेरफ्रैक्शन अब ये जो कंप्रेशन है और रेरफ्रैक्शन है इसके अंदर साउंड वेवस प्रोड्यूस हुई जो कि हमारे कान तक पहुंचती है किसके थ्रू दीस रेयरफ्रैक्शन के थ्रू हमारे कान तक वो साउंड पहुंची है ना वही साउंड जैसे मैंने पहले बताया था कान के अंदर गई एयर ड्रम्स वाइब्रेट हुए योर ब्रेन डिटेक्ट द सिग्नल एंड यू आइडेंटिफाई द साउंड दिसंपल कॉन्सेप्ट के कंप्रेशन क्या होता है जब वाइब्रेशन हुई स्पीकर ने एयर को बर्स किया फॉरन तो एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होके पास पास आ गए करीब आ गए वाइब्रेट दोबारा हुआ एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो गए रेयर फ्रैक्शन सो द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज वेव लेंथ एक्टली कैसे मेजर किया जाता है टू कंप्रेशन एंड टू रेयर फ्रैक्शन कंप्लीट वन वेव लेंथ यह इसकी वेव लेंथ है यह कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है समझना वेव लेंथ बिकॉज इसी वेव लेंथ का डिस्टेंस कम या ज्यादा होने से डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती हैं इज नोन एज हाई पिच साउंड लो पिच साउंड इस तरह से सो so, ये वेव लेंथ को समझे यानी कि टू कंप्रेशन एंड टू रेफ्रैक्शन मेक्स वन वेव लेंथ सो दे फो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट थी जिसे हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं ऑसिलेशन होती क्या है आई होप आपने बड़ा होगा देखा होगा एक पेंडुलम पेंडुलम क्या होता है एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस मैस वेट अटैच्ड है जिसको हम इसकी तरफ इस डायरेक्शन में यानी कि मैं अपनी तरफ इसको अगर खेचूंगा तो टू एंड फ्रो मूव करने लग जाएगा दिस इज हाउ नॉर्मली अ साउंड मेड एंड ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम सो अगेन बैक टू बोर्ड ये पूरा प्रोसेस जो है इसके अंदर मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि कंप्रेशन क्या थी व्हेन द स्पीकर अब मेरे हाथ की मूवमेंट पे दोबारा गौर करिएगा अंदर की तरफ गया अंदर की तरफ वाइब्रेट किया एयर को उसने कंप्रेस किया द कंप्रेशन जैसे ही बाहर की तरफ वाइब्रेट हुआ Rare fraction, the air molecules get scattered. Now, high speed. Because the yani actual speed, ke upar, real time, ke vibrate. Kar raha hota hai. That is how sounds are made. Now, before I go, I want you to conduct a simple experiment with your either your parents or your brothers or sisters. ये बड़ा मजे का एक गेम आपको मैं बताने लगा हूं। so, आपने करना क्या है आपने दो ग्लास लेने हैं कार्डबोर्ड वाले जो होते हैं सिंपल रीयूजेबल रिसाइकलिंग वाले जो ग्लास होते हैं छोटे छोटे से और एक टिन कैन एक छोटा सा टिन कैन एक, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं उसकी जिसमें कैंड हुआ हुआ खाना मिलता है कैन फूड मिलता है जिसमें वो वाला कैन आपने लेना है हाउ मच टू दो लेने आपने ठीक है अपने अबू से कहिएगा कि आपकी हेल्प करें दोनों कैंस के अंदर उसकी बेस के ऊपर आपने छोटे से सुराख करने बहुत ही छोटे से कि उसमें से एक स्ट्रिंग गुजर जाए वो स्ट्रिंग आपने उन दोनों में से गुजारनी है और गुजारने के बाद उसकी नॉट को टाई करना है और उसको टाइट कर देना है सो so, जब ये दोनों मैं ऐसे कैंस को पकड़ूं तो जो जो स्ट्रिंग है वो टाइट हो जाए बिल्कुल ढीली ना हो टाइट हो जाए अब आपने इसके अंदर डिस्टेंस कोई भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई जो है वो लाउंज में बैठे है उस कैन को लेके और आपकी जो बहन है वो बैठ के किसी और रूम के अंदर इतना डिस्टेंस रखें लेकिन मेक श्योर कि वो ढीला ना हो इट शुड बी टाइट अब क्या करना है भाई ने उस कैन के अंदर बोलना है हेलो बहन ने क्या करना है कान के साथ लगाना है सो व्हाट वुड हैपन इज कि वो बड़े क्लियरली सुनेगी भाई की आवाज जो उसने हेलो बोला था हाउ साउंड ट्रेवल्ड थ्रू दैट स्ट्रिंग बट मेक श्योर कि वो स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो लूज ना हो साउंड विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल कंपेयर टू अ टाइट स्ट्रेंग ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा एंड यू बी फैसिनेटेड टू नो कि दिस वॉज द वेरी कॉन्सेप्ट जो आगे ले जाके आगे चल के जिसकी वजह से टेलीफोन इजाद हुआ सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है फॉर यू टू नो के साउंड ट्रैवल थ्रू अ सॉलिड मीडियम वेरी फास्ट एंड एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कि मैं एक कमरे से बोल रहा हूं और वो दूसरा सुन रहा है वहां पर लेक्चर खत्म करते हैं एंड आई वुड वॉन्ट यू टू सर्च आउट ऑन द इंटरनेट एक्सप्लोर डिफरेंट बुक्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखें साउंड कैसे ट्रेवल करती है साउंड गैस में या एयर में कैसे ट्रेवल कर रही है पानी में कैसे ट्रेवल कर रही है सॉलिड में कैसे ट्रेवल कर रही है जैसे कि आप दरवाजे के ऊपर ग्लास लगा के आप अपने किसी भाई को या बहन को दूसरे कमरे में दरवाजा बंद करके कहेंगे कि आवाज निकालो आप बड़ी क्लियरली सुन सकेंगे अब आप वो ग्लास हटा दें आप शायद उतना क्लियरली ना सुन सकें हाउ इज दैट पॉसिबल वाई वाई डज इट हैपन दैट वे सर्च ओवर द इंटरनेट डू दीज इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस एंड एक्सपेरिमेंट्स एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट साइंस किताब पढ़ने से नहीं आती है साइंस समझ आती है जब आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद प्रैक्टिकली इनफॉर्म ये परफॉर्म करेंगे खुद करेंगे एक्सपीरियंस करेंगे दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस इसके साथ ही आज ये वाला लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे और आगे मजीद समझेंगे वट साउंडेस आई होप यू इन जॉयड द लेक्चर एंड आई होप योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर इसके साथ यहां पर खत्म करते हैं खुदा हाफि